हे हेलो फ्रेंड्स, सो आप सभी के सामने मैं एक और बढ़िया सी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इंडियन सोसाइटी पोर्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये जो पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए कीमती क्यों है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना, एफर्ट इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। आज तक मेरे सामने किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यूपीएससी के लिए, कि सर इंडियन सोसाइटी पोर्शन को कहां से कवर किया जाए। आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। दूसरी बात यह कि मैंने आज तक किसी बच्चे को कहीं और भी पूछते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी यूट्यूब कमेंट्स में या कहीं पे भी जनरल क्वेरीज में या कोरा पे कहीं पे भी इंटरनेट पे मैंने किसी बच्चे को ये यहाँ पे बिल्कुल भी पूछते हुए नहीं देखा कि सर इंडियन सोसाइटी पोर्शन या मैम इंडियन सोसाइटी पोर्शन को कैसे कवर करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ध्यान है वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनके नाम मार्केट में फैले हुए हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पोर्शन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो इंडियन सोसाइटी पोर्शन है, ये एक ऐसा ही पोर्शन है कि इसकी जो वेटेज है वो GS1 में आज के टाइम पे सबसे टॉप पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत क्या है, ना ही कोई वीडियो सीरीज अवेलेबल है कहीं पे भी, कोई वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर बुक अवेलेबल है जिससे यहां पे इन टॉपिक्स को कवर किया जा सके जो हमारे नोटिफिकेशन में है। तीसरी बात यहां पे एक ये भी है कि जो बुक्स यहाँ पे बताई जाती हैं कि आमतौर पे कोई भी आके जनरलाइज कर देता है, बोल देता है कि 11th 12th क्लास की जो सोशियोलॉजी की बुक है वो पढ़ लीजिए, बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, NIOS की पूरी बुक पढ़ लीजिए या जो आपकी स्टैंडर्ड कोई किताब आती है वो पढ़ लीजिए। नहीं, आपका उनसे पढ़ने से होगा क्या? आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे 11th 12th क्लास की NCERT, उसमें आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट हो गए, किनशिप किसको बोलते हैं, रिलेशन किस टाइप के होते हैं, इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमें पढ़ना है इंडियन सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट, अलग चीज है, और इंडियन सोसाइटी मतलब कि भारत का जो समाज है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में से आते हैं, ना कि सोशियोलॉजी में से आते हैं, ये आपको पहली बात जान लेनी चाहिए। इसकी जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 80-90 मार्क्स की इसकी जो एवरेज है पर ईयर अब वो बनी हुई है। प्रॉब्लम्स क्या है वो मैंने आपको बता दी। बच्चों को पहली बात पता नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पता नहीं नोटिफिकेशन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, फिर भी पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, या फिर पढ़ के शायद गुजर जाते हैं। इतना अंदर कोई जाके पेन क्यों करेगा, है ना, क्यों पेन लेगा कि ये पता करे हम ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे एक टीचर का रोल भी है। ओके, एक प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पे कि आमतौर पे कहीं भी इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। देखिए यहाँ पे दसियों लाख बच्चे UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। बाकी के कुछ जो पोर्शन है जैसे गवर्नेंस हो गया उसके बारे में क्यों नहीं बताते, IR के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं होती, सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं होती जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीज़न ये है कि आप एक एसेट हो यहाँ पे, 2 से 3 साल या 4 साल आप इस फील्ड में रहने वाले हो, तैयारी करने वाले हो, फी पे करने वाले हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, जितना ज़्यादा आप अनअवेयर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप फी पे करोगे, जितना ज़्यादा आप अवेयर होते जाओगे उतनी जल्दी आप कामयाब होकर इस प्रोसेस में से बाहर निकल जाओगे और आप एसेट नहीं बन पाओगे। आई होप आप समझ गए हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट वन है, इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेबस इन डिटेल्स के बारे में। ये प्रीवियस 5 ईयर्स जो क्वेश्चंस एनालिसिस हैं ये मैं हर साल के लिए एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट बना दूंगा। ये सारे पार्ट्स आपको देखने बड़े ज़रूरी है, आप काफ़ी कुछ तो 2-3 पार्ट में ही सीख जाएंगे। जैसे पहले इसके बाद जब जो पार्ट आएगा वो आएगा 2019 के सारे क्वेश्चंस को का एनालिसिस, और वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2018, 17, 16, 15, 14 तक आएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन जो मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियोज लेके आऊंगा, तो सभी आपको देखनी है। अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे सिलेबस इन डिटेल्स, ठीक है ना, सिलेबस हमें डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि चलो GS1 में ही देखते हैं किसकी कौन से पोर्शन की कितनी ज़्यादा वेटेज है। तो GS1 में ब्रॉडली हमारे 3 यहाँ पे
अलग अलग पोर्शन है जीएस वन में। एक है हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, फ्रीडम स्ट्रगल आ गई, पोस्ट इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आ गया। हिस्ट्री को एक मिनट के लिए साइड में कीजिए। उसके बाद आपका पोर्शन यहाँ पे आता है इंडियन सोसाइटी, और तीसरा आता है जियोग्राफी, ठीक है ना। ब्रॉडली मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूं। अब अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर 2017 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया 10 नंबर का। और आप क्या पूछते हैं, सर आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, और आप पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं। कोई नितिन सिंघानिया लेके बैठा है, कोई पूरी क्लास 11 की फाइन आर्ट्स या हेरिटेज वाली जो बुक्स हैं वो पढ़ने बैठ गया है, कोई नोट्स पढ़ने बैठा हुआ है, तो यहाँ पे रुक ही नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज है क्या कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में से 4 क्वेश्चन आए 50 नंबर की, इनकी यहां पे वेटेज थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन आया, इतने ही क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में से, कई बार आते भी नहीं है, 1 क्वेश्चन आया सिर्फ 10 नंबर का। इंडियन सोसाइटी में से 6 क्वेश्चन आए 80 नंबर के। ज्योग्राफी में से 8 क्वेश्चन आए 100 नंबर के। यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अलग से पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए कई बुक्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफी सारे नोट्स बनेंगे। इंडियन सोसाइटी सिर्फ एक ऐसा लोता पोर्शन है। ज्योग्राफी के लिए भी आपको 11-12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जीसी लोंग पढ़नी पड़ेगी, एटलस पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी एक ऐसा पोर्शन है जिसको सबसे ज्यादा इजिली हम कवर कर सकते हैं और जिसकी वेटेज भी काफी ज्यादा है। 2018 पे बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे 3 क्वेश्चन आए 35 नंबर के। मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए 25 नंबर के। वर्ल्ड हिस्ट्री 0। इंडियन सोसाइटी पे 7 क्वेश्चन आए 90 नंबर के। आप समझ रहे हैं हर साल इसकी वेटेज कैसे बढ़ती जा रही है। ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आए 100 नंबर के। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ज्योग्राफी की बात तो सब कर लेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, इसके बारे में आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है किसी बच्चे के मुंह से, कोई बात नहीं। चलिए आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे 2019 की बात करते हैं, जो लेटेस्ट हमारा मेंस हुआ था, अभी इस साल वाला तो हुआ ही नहीं अभी, ठीक है ना। तो 1 क्वेश्चन आया 10 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए 50 नंबर के मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में से। वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आया 15 नंबर का, बड़ा वाला, ठीक है ना, 250 वर्ड वाला। इंडियन सोसाइटी के 7 क्वेश्चन आए 90 नंबर के। ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन आए 85 नंबर के। मतलब कि क्या हुआ, नंबर वन पे इंडियन सोसाइटी पोर्शन 2019 के एग्जाम में, फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ना तो सिलेबस पढ़ रहा है, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके आपके हर साल के उनको देख रहा है कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। सिर्फ 10-20 किताबें उसको बता दो, वो पढ़ता रहेगा, 3-4 साल बाद उसको समझ में आएगा, 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद कि उसने गलतियां कहां पे की है। मैंने कितने ही तो जो एस्पिरेंट है उनसे बात की है, उनकी स्ट्रेटेजी जी सुनी है, कितने ही जो जिन्होंने सक्सेसफुली फिर बाद में 5वीं साल में, 4थे अटेम्प्ट में या 3रे अटेम्प्ट में जाके क्लियर किया है, उनका लास्ट में यही कहना था कि जब हमने पूरे सिलेबस को और पूरी नोटिफिकेशन को, प्रीवियस ईयर्स को डीपली एनालाइज किया, तब जाके हमें पता चला कि एफर्ट करना कहां पे है एग्जैक्टली। ओके, सो मैंने आपको सुबह भी एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको यहाँ पे अपने नैरो सोर्सेज करने हैं, लेकिन आप ब्रॉड करते चले जाते हैं, फालतू की चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार पढ़ रहा है, कोई मिंट अखबार पढ़ रहा है, कोई इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों पढ़ रहा है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा किताबें पढ़े जा रहे हैं, तो ये वाले काम आपको नहीं करने हैं। इसके बाद है, एक बार पूरा देख लेते हैं, 2019 में आए हैं यहाँ पे आपके सामने 90 नंबर का पोर्शन है, 2018 में भी 90 नंबर का है, 2017 में 80, 2016 में 62.5 नंबर का है, 12.5 नंबर के क्वेश्चन भी उस समय पे आते थे, 75 नंबर का यहाँ पे है और 70 नंबर का यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इंक्रीज ही हो रहा है, और अगर एवरेज अगर आप देखेंगे जो मेंटेन हो रखी है, तो वो 80-85 या 90 नंबर की एवरेज है, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस, जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से 40% आर कंप्लीटली स्टैटिक। 40% तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्टैटिक है। ओके, मतलब कि 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे करंट अफेयर का कोई इंपैक्ट नहीं है, वो बिल्कुल स्टैटिक है। जैसे कल्चर के बारे में कुछ पूछ लिया या इस टाइप की चीजों के बारे में, वो क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग 60% है ना, उसमें बोथ करंट एंड स्टैटिक दोनों हाफ ऑफ रेशो में। इसका मतलब क्या हुआ, 40% तो स्टैटिक यहां पे हो गया, और इस 60 में से भी 30% रोल आपका यहां पे स्टैटिक पोर्शन का हो गया। तो ज्यादा इसमें जो रोल है वो हमारा स्टैटिक पोर्शन का ही है, और सिर्फ उस स्टैटिक
पोर्शन के बारे में जब हमें अच्छे से वन लेयर डीप पता चल जाता है, हम पढ़ लेते हैं डीपली अच्छे से उसको, तो होता क्या है कि हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, आपको बेस नॉलेज जो है यहाँ पे स्टैटिक की वो पूरी अच्छे से रहती है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई बस उनको पढ़ते रहना है तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चल जाएगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा वीडियोज़ में। इसके बाद है यहाँ पे अब जो हमारा नोटिफिकेशन में जो सिलेबस लिखा हुआ है वो कुछ यूँ है, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है चलिए, मतलब कि सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ बताया नहीं उसके अंदर क्या, ठीक है ना, फीचर्स में थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं लेकिन नहीं किया, चलिए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन सबसे बड़ा इशू है, वुमेन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी पोर्शन में, ठीक है ना, तो रोल ऑफ वुमेन हो गया, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड, अब भारत का जो समाज है उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो ही रहा है, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन का यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। एसोसिएटेड इश्यूज, इससे जो रिलेटेड इशू है वो गरीबी हो गई, पॉवर्टी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया, एक सेकेंड गाइस, इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया डेवलपमेंटल इश्यूज हो गए, ठीक है ना, एक सेकेंड, डेवलपमेंटल, एक सेकेंड, डेवलपमेंटल इश्यूज यहाँ पे हो गए कि देश जो है वो डेवलप कैसे कर रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड छोटा मोटा, और सबसे ज्यादा तो कि जो गरीब जो तबका है उसके डेवलपमेंट कैसे हो, अर्बनाइजेशन का यहाँ पे हो गया, इसके बाद हो गया प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, तो ये तो हो गया यहाँ पे आम, एक वो एड आती है ना कि ये है आम जिंदगी और ये है यहाँ पे आपकी मेंटोस जिंदगी, एक तरीके से मतलब उसी तरीके से ये मैंने आपको यहाँ पे इलेबोरेट करके बता दिया है कि इंडियन सोसाइटी कंप्लीट सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले डाइवर्सिटी, भारत में डाइवर्सिटी किस चीज की है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन धर्मों की यहाँ पे डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे रिलीजन है हमारे यहाँ पे, कास्ट की डाइवर्सिटी है, फिर यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर, फूड की डाइवर्सिटी है, रीजन्स की डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उस भिन्नता के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर है हमारी डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे इंडिया में, यहाँ पे तीन तरीके की लाइफस्टाइल है, वो क्या है, एक तो ट्राइबल लोग जो जंगलों से रिलेटेड जो लोग हो गए, जो अपनी जनजातियाँ हो गई, ठीक है ना, फिर उसके बाद हो गए ग्रामीण लोग गाँव के, फिर हो गई अर्बन लाइफस्टाइल, इनके इश्यूज क्या हैं, सबके अलग अलग इश्यूज हैं, अर्बन लोगों के, शहरी लोगों जो हो गए, गाँव के लोग हो गए, ट्राइबल हो गए, और उनकी इश्यूज की रेमेडीज क्या है, इलाज क्या है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फिर है सोशो कल्चरल हेरिटेज, तो यहां पे जो कल्चर का जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे जब मैं एनालिसिस करूंगा ना तब देखना यहां पे, तो सोशो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं, वेदास के ऊपर क्वेश्चन हो गए, योगा से रिलेटेड, आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, आर्ट फॉर्म इसमें अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता। इसके बाद है हमारे देश में इनक्रेडिबल टॉलरेंस, टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम कितना ज़्यादा, कितने धर्म होने के बाद, कितनी जातियाँ होने के बाद, कितने रीजन होने के बाद, अलग अलग प्रकार के लोग हैं फिर भी टॉलरेंट है और अच्छे से कंट्री चल रही है। इसके बाद है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मैंने बताया था आपको, फिर है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़, तो जो गरीब तबका है उसका विकास कैसे होगा, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे इश्यूज़ हो गए, ठीक है ना, एक सेकेंड, ओके। देन इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण, मतलब कि जो वैश्वीकरण हो रहा है कि पूरी दुनिया एक होती जा रही है, उसके ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया के ऊपर क्या है, भारत के कल्चर के ऊपर क्या है, बुजुर्गों के ऊपर क्या है, महिलाओं पे, आदमी पे और बच्चों पे क्या है, कैसे हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, कैसे कल्चर जो है वो इंटरमिक्स हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं हर साल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। इसके बाद है डिफरेंट फिलोसॉफीज, देयर ओरिजिन, कॉजेज एंड इंपैक्ट, कम्युनलिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं,
रीजनलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, लिंग्विज्म मतलब कि भाषावादी है ना, कम्युनलिज्म का मतलब है सांप्रदायवादिक होना, ठीक है ना, रीजनलिज्म का मतलब है कि वो लोग जो अपने एक पर्टिकुलर एरिया को जिससे वो बिलोंग करते हैं उसको वो बहुत ऊंचा समझते हैं, बाकी को वो इन्फीरियर समझते हैं, किसी ना किसी वे में यहाँ पे वो भेदभाव करते हैं, उससे रिलेटेड हो गया रीजनलिज्म। फिर हो गया हमारा यहाँ पे लिंग्विज्म मतलब कि अपनी भाषा को सबसे ज्यादा ऊपर समझना, भाषा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में है वो हो गई। फिर इसके बाद आता है सेकुलरिज्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इन हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर है यहाँ पे अर्बनाइजेशन एंड चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, कि यहाँ पे कैसे जो लोग हैं, दो दो चीजों का शहरीकरण होता है, एक होता है इंसान का, ठीक है, जब एक इंसान गांव से शहर में चला जाता है तो वो शहरी हो गया, उसको बोलते हैं इंसान का शहरीकरण हो गया, है ना, वो शहर का बन गया। एक होता है किसी जमीन के टुकड़े का शहरीकरण, मतलब मान लीजिए कोई किसानों का एरिया है, खेती बाड़ी का एरिया है, और उस एरिया के ऊपर सरकार एक प्लान बना दे कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक जोन बनाएंगे और यहाँ पे MNCs आएंगी और यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज आएंगी, एक एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे मेट्रो चलेगी, इस तरीके से जो भी प्लानिंग हो, तो उस एरिया को, गाँव के एरिया को, उस जमीन को जब चेंज करके रूरल जमीन को, खेती की जमीन के ऊपर जब मॉल्स खड़े होते हैं, बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उसको भी अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण बोलते हैं जमीन का, ओके। तो अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड चैलेंजेस के ऊपर हम यहां पे बात करेंगे। सबसे हॉट टॉपिक है अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और वुमेन्स वाला जो है, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं और बड़े मजेदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, ये आपको यहां पे जानना जरूरी है। वुमेन्स के इश्यूज हो गए, वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या करती है, और जो हमारी वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका एंशियंट टाइम से लेके और मॉडर्न टाइम्स तक क्या अभी तक कुछ तरक्की हुई है या नहीं हुई है, अभी भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बनी हुई हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वाला जो माइंड मैप है ये मैंने 2018 में बनाया था, ठीक है, और 2019 में ही क्वेश्चन आ गया कि एंशियंट टाइम से लेके और मॉडर्न टाइम्स तक क्वेश्चन आ गया वुमेन्स की जो यहाँ पे कंडीशन है वो कैसी है, मतलब कि टाइम के अगेंस्ट अगर हम जाके देखें तो वुमेन्स की जो कंडीशन है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक बनी हुई है शुरू से लेके आज तक, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, ठीक है ना। देन इसके बाद है इश्यूज ऑफ अदर एज ग्रुप्स, ठीक है ना, तो अदर जो एज ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, ये उनके कुछ इश्यूज होते हैं, चाइल्ड के अलग से होते हैं, बच्चे के, यंग जनरेशन के अलग इशू होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, ओल्ड एज के यहाँ पे अलग इश्यूज होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें आ गया मिसलेनियस, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें कराऊंगा, कल्चर हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गई, ये सब चीज़ें कि कैसे हम अपने कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो यहाँ पे बता दिया है, ओके, इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करते जाएंगे धीरे धीरे करके। फिर ये यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो मैं आपको जो नोट्स दूंगा और जो माइंड मैप्स मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ तो वो कुछ ऐसे होंगे कि जैसे अर्बनाइजेशन के ऊपर ही एक माइंड मैप है, ठीक है ना। इस एक स्लाइड को पढ़ के आप 15 नंबर का अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी से लिख के आओगे, आपसे ऊपर अच्छी क्वालिटी, अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया है ना, तो आपसे अच्छी क्वालिटी का अर्बनाइजेशन का जो आंसर है वो कोई नहीं लिख पाएगा। ऐसे ही जैसे एक ये अर्बनाइजेशन के ऊपर माइंड मैप है, ऐसे करीब 15 से 20 के बीच में माइंड मैप होंगे पूरे इंडियन सोसाइटी पोर्शन के। 80-90 नंबर का हमारा पूरा पोर्शन आता है। मान लीजिए मैंने आपको ऐसे माइंड मैप अगर बना के दिए और आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कि बड़ा इजी है, मैं पढ़ाऊंगा ही, आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है बाद में, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ इतना करके मींस 2 घंटे में सारे माइंड मैप्स रिवाइज करके और 80-90 नंबर अपने स्ट्रॉन्ग अगर बना सकते हैं तो ये आपके लिए कैसा है, आप इस बात को समझिए। आई होप आप समझ गए होंगे क्या आइडिया है इसके पीछे। सिमिलरली मैं गवर्नेंस के ऊपर, IR के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर और एथिक्स के ऊपर, जितने भी ऐसे पोर्शन है ना, मैंने बेसिकली किया क्या है, जो IIM विवेकानंदा बैच के बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। कल से आपके लिए एक पूरा प्लान आने वाला है 2021 वाले बच्चों के लिए, 22 वाले बच्चों के लिए। मैंने किया क्या है कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप का कंटेंट होता है जो हमें तैयार करना होता है, हमने उसको 50-50 में यहाँ पे डिवाइड किया है दोस्तों। तो वो 50-50 में क्या है कि ये तो है बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, आधा हमारा ऐसा कंटेंट है, सिलेबस है, जो बुक से पूरा हो जाता है, तो वो तो आप खुद करेंगे,
उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। वो मुझे कराने की ना जरूरत है, और मैं कराऊंगा तो मैं अपना और आपका समय बर्बाद करूंगा। फिर वो वाली बात हो जाएगी कि मैं आपसे फी लेता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, मेरे लिए आप ऐसे टेक बन जाओगे और आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि हाँ यार मजा आ रहा है सर, डेली कुछ क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करने की तरफ तो नहीं बढ़ पाओगे। और जो ऐसे पोर्शन है ना, जैसे मैंने इंडियन सोसाइटी बताया, जिनके लिए कोई सोर्सेज नहीं है, वो सारे के सारे पोर्शन आपके मैं कवर कराऊंगा, और बुक्स में भी मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। वो आपको कल जो कल या परसों में वीडियोस जो आएंगी उन पे पता चल जाएगा। तो ये जस्ट आपके सामने का एग्जांपल है। ऐसे आपको 15 से 20 माइंड मैप सिर्फ इस पोर्शन के मिल जाएंगे, उसके बाद कभी कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं आपको दोबारा, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर भी मैं इसके यहाँ पे आपको एक अलग से बना के दूंगा पूरा, कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए इस कोर्स के बारे में, दिस कोर्स विल कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ द इंडियन सोसाइटी पोर्शन ऑफ यूपीएससी सीएससी जीएस मेंस 1। तो ये पूरा का पूरा जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। हर एक टॉपिक यहाँ पे बेसिक से शुरू होगा, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जो बिल्कुल बच्चा भी होगा, ग्रेजुएशन जो कर रहा है या 12th क्लास का है, उसको भी ये बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा। बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे पूरे के पूरे एडवांस तक, डीपर लेवल तक, ठीक है ना। और इसको पूरा इजीली मैं आपके लिए यहां पे कवर करा दूंगा। इसके बाद है करंट डेवलपमेंट्स, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, जो सारे टॉपिक होंगे, वो भी मैं आपको टाइमली कवर करा दूंगा इसके। इसके बाद है टोटल लेसंस विल बी अप्रोक्स 30, तो अराउंड वही 20 से 30 के बीच में इसकी टोटल वीडियोस आई थिंक आ जाएगी। ये आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्लाइड्स कैसी होंगी, कितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होंगी, तो इस टाइप की कुछ हमारी स्लाइड्स आती जाएंगी। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे स्लाइड का, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी इजीली आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये तो हो गई बात इंडियन सोसाइटी पोर्शन की। अगली जो क्लासेस हैं वो आएंगी आपकी एनालिसिस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हमने चला ही रखा है, उसकी क्लासेस रेगुलरली आती रहेंगी, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारा पोर्शन हम शुरू करेंगे वो है हमारा गवर्नेंस का। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, आई होप आप वो पढ़ रहे होंगे, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अभी पूरे 8 महीने हैं प्रीलिम्स के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद आपने बैकलॉग को तैयार करना शुरू कर दिया होगा, जो करंट अफेयर के बैकलॉग है, जो मैगजीन्स है मंथली, आई होप आपने वो पढ़नी शुरू कर दी होगी। नहीं की है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो टेलीग्राम पे जाके मैसेज करके ज़रूर बताना। हालांकि उसके ऊपर कल या परसों में स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियोज आ रही है उसमें पूरा का पूरा डीप डिस्कशन होने वाला है। सारा कंटेंट मैंने तैयार कर लिया है, सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करना बाकी है। इसके अलावा एक बात और बोलना चाहूँगा कि कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहले हम लाइव पढ़ते थे, मैं आपको लाइव पढ़ाता था प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती थी, आपकी प्रॉब्लम्स मेरे को पता चलती थी, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता था। अभी यहाँ पे फिलहाल क्लासेस जो हैं वो लाइव नहीं चल रही हैं, तो आप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, किस चीज़ पे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन वीडियो आएगी ज़रूर, ठीक है ना। तो कम्युनिकेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब, चाहे टेलीग्राम पे कीजिए चाहे यहीं पे कीजिए, ओके। तो कमेंट ज़रूर करना है। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अभी मेरी जो शूटिंग होती है वीडियोस की, वो आईपैड प्रो से होती है। अभी मेरे सामने आईपैड प्रो है, उससे शूटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर से नीचे हम लाइव नहीं जा सकते। लैपटॉप में जा सकते हैं विंडोज़ से, लेकिन इनसे, इन इक्विपमेंट से नहीं जा सकते, मोबाइल से या अपनी आईपैड से। तो 1000 सब्सक्राइबर जितने जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शुरू में जो YouTube चैनल होता है, जब स्टार्ट होता है, तो उसको कहीं पे भी YouTube रिकमेंड नहीं करता है। जब आपको चैनल को चलाते हुए 2-3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी रीच बढ़नी शुरू होती है। तो हम जल्दी से जल्दी, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो लाइव होना ज़रूरी है, उन लाइव क्लासेस को हम जल्दी लेके आएंगे। कुछ क्लासेस शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी, और अगर आप बोलेंगे तो सारी लाइव में आ जाएगी। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है लाइव क्लासेस का कि मेरे को फिर बाद में पब्लिश नहीं करनी पड़ती। होता क्या है कि मैंने जैसे 1-2.5 घंटे की मैंने वीडियो डाली थी हिस्ट्री की, अगर वो लाइव होती तो उतने ही टाइम पे मैं पढ़ाता रहता और वो रिकॉर्ड भी होती रहती, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता उसके लिए। लेकिन उस वीडियो को मैंने पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको पूरा रेंडर किया, एडिट किया उसको, मैंने उसमें 2 क्लिप जोड़ी थी बेसिकली, बीच में एक बार मशीन में दिक्कत हो गई थी तो मैंने उसमें 2 क्लिप जोड़ी। मेरे को उसको पूरा एडिट करने में, प्रोसेस करने में करीब करीब 4 से 5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि 4K में वीडियो शूट हो रही है ये, और इनकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनका साइज़ भी ज़्यादा है, 12 या 15 GB पे एक वीडियो चली जाती है। तो लाइव जाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अभी। तो आपका अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है उनके फ़ोन से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर
आप कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लगे तो आप ये यहाँ पे एक हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।